पुणे और आसपास के इलाकों में हुई तेज बारिश। पुणे और आसपास के इलाकों में पिछले एक घंटे मूसलाधार बारिश हुई। एक घंटे में 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अभी तक मॉनसून खत्म नहीं हुआ है। हालांकि विभाग के अनुसार ये आज की बारिश मॉनसून की वजह से नहीं हुई है। मौसम विभाग के प्रमुख अनुपम कश्यप के मुताबिक बिजली की कड़कड़ाहट के बाद बादलों की गरज के साथ बारिश होती रहती है और ऐसी बारिश ज्यादातर दोपहर के बाद होती है। दिन भर के तापमान के कारण मौसम में नमी बहुत बढ़ जाती है और शाम होते होते आसमान में ऊंचे ऊंचे बादल बनने लगते हैं, जिसमें सूक्ष्म पानी के कणों का प्रमाण ज्यादा होता है। इस प्रक्रिया को थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहते हैं। 25 सितंबर की रात में भी ऐसे ही बादलों के कारण भयंकर बारिश हुई थी, जिससे पुणे के दक्षिण इलाकों में बाढ़ आ गई थी। आज की बारिश में पुणे शहर के महात्रे पुल के पास वाले शॉपिंग मॉल के सामने वाली सड़क पर 3 फीट पानी जमा होने से कई कार पानी में अटक गई। लोग मेन होल से पानी निकालने का प्रयास करते दिखे। वहीं पुणे के बानेर रोड पर नेशनल सोसाइटी के सामने गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दी। 25 सितंबर को पुणे में हुई जोरदार बारिश की वजह से सड़कों से लेकर घरों तक बारिश के पानी का कब्जा हो गया था। वहीं सहकार नगर इलाके में दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा बाढ़ से करीब 150 घरों को नुकसान हुआ था। पुणे में बाढ़ से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय 24 न्यूज़।